बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं टूटी फ्रूटी केक, जिसको बनाना बहुत इजी है और बहुत ही यम्मी बनता है। चलिए रेसिपी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए टूटी फ्रूटी केक बनाना स्टार्ट करते हैं और चीजें देख लेते हैं। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कौन कौन सी चीज कितने वजन पे जाएगी। ये हमारे पास 100 ग्राम बटर है, ये पहले ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 100 ग्राम मैंने बटर इस्तेमाल किया है। हाफ कप चीनी है मेरे पास, 1 कप मैदा है और हाफ कप चीनी है। तो अभी 100 ग्राम बटर गया है और हाफ कप चीनी ऐड कर देंगे। बीटर से इसे बीट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, साथ साथ इसे इकट्ठा करते जाएंगे और फिर बीट करते जाएंगे, इसे मिडल में करते जाएंगे, इसका क्रीमी टेक्सचर आने तक इसे बीट करेंगे। अभी ये हो गया है, चीनी और बटर मिक्स हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी हमारी शुगर और बटर जो है वो मिक्स हो गया है। अभी इसमें हम एक एग डाल देंगे, रूम टेम्परेचर था हमारे पास, उसको बीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी देखें ये स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अभी इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। वन कप मैदा है, थोड़ा थोड़ा लेंगे और उसे छान लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून, ये यूज किया हमने, ये हमारे पास बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून हमारे पास बेकिंग सोडा है और 1/2 टीस्पून साल्ट है और स्पून ये है। इस मदद से हमने ये तीनों कर लिए, ये भी मिक्स कर देंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और साल्ट भी मैंने मिक्स कर लिया है मैदे में, तो ये इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा। 1 कप मैदा था, देखिए पूरा चला गया। अभी इसे छान लिया हमने, साथ ही हमारे पास ये बटर मिल्क है, ये ऐड कर देंगे। बटर मिल्क को बनाना बहुत इजी है, 1 कप आप मिल्क ले लें और 1 टीस्पून आप सिरका इसमें ऐड करके तो इसका बटर मिल्क बना लें। 5 मिनट रखेंगे तो बटर मिल्क बन जाएगा। अभी इसको हम बीट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसकी थोड़ी फोल्डिंग कर लेंगे, एक ही साइड पे से फोल्ड करना है। ये फोल्ड हो गया है, अभी इसमें हम वनीला एसेंस वो ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कीजिए, इसे मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसे डालने से ही केक का जो है वो खुशबू आना शुरू हो जाती है, पता चलता है पूरे घर में कि केक बना और केक में भी जायका इसका आता है। तो ये हम टूटी फ्रूटी केक बना रहे हैं तो इसमें भी टूटी फ्रूटी ऐड करेंगे। रहीम, इस तरह का हमने एक मोल्ड ले लिया है। अभी हम बटर पेपर नीचे रखा है क्योंकि हमने अंदर लगाना है, तो उतना कटिंग करने के लिए हम इसे काट लेंगे, साइज देख लेंगे कितना हमने इसे रखना है। इससे क्या होगा, आसानी से वैसे भी निकल जाएगा, हमारा जो मोल्ड है वो एडजस्टमेंट वाला है। अभी हम पहले पैन को ग्रीस कर लेंगे, ऑयल, घी, बटर किसी के साथ भी।
अच्छी तरह से। इसकी साइडों पे भी लगा लेंगे। अच्छी तरह से ये ग्रीस हो गया। अभी बटर पेपर इसमें डाल देते हैं और इसे भी ग्रीस कर देंगे। एटी डिग्री पे मैंने प्री हीट करने के लिए आधे घंटे प्री हीट करेंगे अपने ओवन को। अभी बटर भी ग्रीस कर लिया, बटर पेपर को भी ग्रीस कर लिया है। अभी थोड़ा सा मैदा मैं डस्ट करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे, इसे हमारा केक आसानी से निकल आएगा। ग्रीस कर दिया, मैदा भी हो गया। अभी हम इसे डाल देंगे अपने केक को। बैटर ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने बैटर ऐड कर दिया है अपने सांचे में और अभी इसे मैं लेवल कर रही हूँ। इसे इवन कर देंगे ताकि ये प्यारा सा हमारा केक जो है वो रेडी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने बैटर को इवन कर दिया है। अभी मेरे पास जो टूटी फ्रूटी थी वो ऊपर ऐड कर देंगे, इसकी डेकोरेशन भी हो जाए क्योंकि टूटी फ्रूटी केक है तो वो लगना भी चाहिए टूटी फ्रूटी। इसे 180 डिग्री पे हमने 35 मिनट तक बेक करना है। 30 मिनट तक पहले चेक कर लें, अगर नहीं हुआ तो 35 मिनट बाद इसे खोल के फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। टूटी फ्रूटी ऐड कर दिए, इसे एक दफा ऐसे टैप कर देंगे। अभी मैं इसे ओवन में रख देती हूँ, 35 मिनट बाद मिलते हैं और 180 डिग्री पे हमारा जो बेक होगा तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर 35 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम 30 मिनट हो गए हैं, केक को हमने निकाल लिए। हम इस तरह पिक ले लेंगे और इस तरह डालेंगे तो बिल्कुल ड्राई आई है, तो इसके मतलब ये रेडी है। अभी 10 मिनट तक इसे रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ देते हैं फिर इंशाल्लाह इसे कट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारा टूटी फ्रूटी केक रेडी हो गया है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा ये आपको टी केक कैसा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।